अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का विरोध किया था। 2019 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि रश्मि ठाकरे की जिद के चलते मुख्यमंत्री पद के लिए आदित्य ठाकरे का नाम आगे लाने की कोशिश की गई। यह महसूस करने के बाद कि यह संभव नहीं है, संजय राउत और अनिल देसाई ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का नाम शरद पवार तक पहुंचाया था। अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का विरोध किया था। 2019 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि रश्मि ठाकरे की जिद के चलते मुख्यमंत्री पद के लिए आदित्य ठाकरे का नाम आगे लाने की कोशिश की गई। यह महसूस करने के बाद कि यह संभव नहीं है, संजय राउत और अनिल देसाई ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का नाम शरद पवार तक पहुंचाया था।